लग तो नहीं रहा है कि होगा कुछ। अच्छा, अब ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, का पता हो जाए कुछ। अच्छा, पर अब देखते हैं भगवान के ऊपर, धान ही लगाए, बस धान लगाए, धान ही लगाए तो वो भी चला गया। अब क्या अच्छा आ जाची, अगर ये पानी भरा रहेगा तो ये भी खराब हो जाएगा ना। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर आवर्स। आज हम खड़े हैं अयोध्या फैजाबाद के रतनपुर के पास खड़े हैं, और बारिश दो दिन से तबाही मचाई है। और बुजुर्ग लोग का कहना है, जो पुरानिया लोग का कहना है, जब हथिया लगता है तो 12 से 15 दिन बारिश होती है। और बारिश को लेकर जो धान की बात करते हैं, चाहे गेहूं की बात करते हैं, कोई भी जो प्रेजेंट टाइम में, इस समय प्रेजेंट टाइम में कोई भी अगर फसलें जो उगाते हैं तो बारिश को लेकर कुछ ना कुछ नुकसान हो जाते हैं। जैसे कि हमारे सामने आपको दिख रहा होगा, ये धान है, काफ़ी ध्वस्त हो चुके हैं। क्या ये धान बचने के काबिल है कि बचने के काबिल नहीं है? धान में फस इस जो पौधे में है, पौधे में धान आ गए हैं, और हो सकता है कि ये ख़राब है, कि हो सकता है ये ख़राब हो कि ना हो। आइए हम किसानों से पूछते हैं। और खेतों से जो पानी को निकाला जा रहा है, ये देख सकते हैं, और किसान काफ़ी परेशान है। भैया थोड़ा आगे आ जाइएगा, थोड़ा समस्या बता दीजिएगा हमारे दर्शक को। अगर हम बात करते हैं फसलों को लेकर, कितना आपका फसल होगा, एक बात करते हैं तो? क्या बता, जो होना था सब ऐसे चला गया पानी की बरसात में। अच्छा, तो मतलब कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो धान पहुड़ गए हैं, तो क्या धान कुछ होगा नहीं अब इसमें? ये ख़राब है। हाँ ख़राब है इसमें, इसीलिए तो इतनी मेहनत करे कि कुछ हो जाए। लग तो नहीं रहा है कि होगा कुछ। अच्छा, अब ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। अच्छा, तो मतलब कि जो धान लेट गए हैं वो दोबारा मतलब कि निकलने वाला का चांस नहीं है? नहीं है, खत्म है एकदम। ये खत्म हो गया है तो मतलब कि इसमें से अपने खेत में से पानी, अपने हिसाब से तो काम कर रहे हैं कि का पता हो जाए कुछ। अच्छा, पर अब देखते हैं भगवान के ऊपर। अच्छा, तो सिर्फ धान ही लगाए हैं, कुछ गन्ना वन्ना भी लगाए? नहीं नहीं, धान ही लगाए, बस धान लगाए। धान ही लगाए थे वो भी चला गया। अब क्या बताएं, धान भी लगाए थे। हमारे समझ से जो लेट गया है धान, उतने में है कि कुछ होगा? नहीं होगा, नहीं जो पीछे वाला है आपका है? नहीं वो नहीं, ये थोड़ा ये है और ये जितना लेटा है। ये देख सकते हैं, ये धान है। धान ये प्राकृतिक चीज़ है, आपदा चीज़ है। बारिश को लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए पूरा एकदम ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन इस पर क्या किया जाए। और कहीं ना कहीं थोड़ा आगे हम दिखा सकते हैं, ये धान की जो फसलें हैं काफ़ी रगाई हो गया है जो बारिश को लेकर। देख सकते हैं जो किसान हैं काफ़ी परेशान हैं, और काफ़ी मजदूरी से हमारे समझ से काफ़ी लोग परेशान हैं बारिश को लेकर। और काफ़ी किसान जो अगर खेती करना होता है तो काफ़ी समस्या होती है, कहीं ना कहीं देखते हैं, और काफ़ी मेहनत करना पड़ता है खेतों में। आइए और कुछ हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिएगा, ये एकदम पूरा लबालब पानी भरा हुआ है, और अगर ऐसे लबालब पानी भरा रहेगा तो हमारे समझ से ये जो धान है ये भी लेटने का चांस हो जाएगा, ख़राब होने की चांस है। आ जाची, अगर ये पानी भरा रहेगा तो ये भी ख़राब हो जाएगा ना? देख सकते हैं हमारे समझ से पूरे खेतों में ऐसे पानी भरा है। और जो बुज़ुर्गों का कहना है कि हथिया जब लगता है, जब हथिया लगता है तो 12 से 15 दिन तक पानी बारिश होती है। और कहना क्या देखा जाए, और चाहे युवा है, चाहे जवान है, चाहे बुज़ुर्ग है, जो खेतों में लग जाता है तो मन लगा के खेती भी करता है, और जब नुकसान होता है तो काफ़ी दिक्कतें झेलना पड़ता है। ये आपदा है, और हो सकता है कि अभी तक पानी बरसने की उम्मीद बताया भी जा रहा है, और काफ़ी किसानों को दिक्कत भी हो रहे हैं जो पानी का इंतज़ार करते थे खेतों को लेकर। लेकिन अब की बात करते हैं, जब बारिश को लेकर पूरा तबाही मचाया है, लेकिन कहना कहीं देखा जाए काफ़ी परेशानियां हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा, फॉलो करिएगा। जय हिंद।